बताइए भाई कि कौन सा नहीं आया, क्या चीज नहीं आई, या कल पढ़ाया था कुछ ना समझ आया हो तो बताइए, कुछ ऐसा जो कल पढ़ाया हो ना समझ आया हो। सिंगल करेक्ट वाले सारे कर लिए? कौन सा 8 नंबर? अच्छा, 6th वाला। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। मैं 6th वाला क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अरे अरे, हम पूरा ऐसा नहीं लिख रहे भाई, ऐसे लिख दे रहे हैं, x²y" -2xy' +2y=0। कुछ कंडीशन दी आपको, y1 + α y-1=1, y2 + β y2′=2 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ ए है आपका ऑप्शन है आपका, ये आपका आया था दिसंबर 2016, क्वेश्चन है ये दिसंबर 2016। सिंगल करेक्ट है तो 3 मार्क्स का होगा। अल्फा कह रहा -1 है, बीटा 2 है, कि आपका अल्फा -1 है, बीटा भी -2 है। तीसरा है आपका अल्फा आपका -2 है, बीटा 2 है, अल्फा -3 है और बीटा 2/3 है। अल्फा -3 है, बीटा 2/3 है, -2, -2, -1, -2 एंड -1 एंड 2। तो आपसे क्या कह रहे हैं भाई, आपको इसको करना यह है कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सुनिए जरा सा भाई, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए ना, बहुत आसान है। सॉल्व करके y1 y-1 y2 y-2 निकाल के यहां रख देना, हो जाएगा। थोड़ा सा मैट्रिक्स का यूज है इसमें, इसलिए आपको नहीं आया है। मैट्रिक्स का थोड़ा सा यूज है इसलिए आपको नहीं आया। पहले सॉल्यूशन निकाल के यहां रख दे, उसके बाद हम बताएंगे मैट्रिक्स कैसे यूज करना है, यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता है बताएंगे हम आपको इसके आगे। पहले एक काम करते हैं, लेट सॉल्व दिस। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये आपने पढ़ा है, होमोजीनस है, इसको लिखते थे dd-1y, इसको लिखते हैं 2dy और ये 2y=0। जहां पर d का मतलब होता था dy/dz और आपका x होता था e की पावर z और z होता था आपका log x। याद आया कुछ कुछ? ये हो जाएगा आपका d²-d और -2d, तो -3d, बस थोड़ा ही थोड़ा याद आया, =0। हम आपको एक वीडियो भेज देंगे। अरे यार, वीडियो क्या, नहीं होमोजीनस की वीडियो नहीं है मेरे पास, होमोजीनस की वीडियो नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको भेज देते। अभी पढ़ाएंगे, आगे आएगा, अभी आगे आएगा सॉल्व करना। बस आप ऐसे लाइक x²y" को dd-1y लिखते हैं, ये अभी आगे आएगा भाई, 100% आगे आएगा, ये पूरा सॉल्व करना आएगा। x y डैश को लिखते हैं dy और ये y ऐसे ही, यहां पर d जो होता है dy/dz होता है, यहां पर dy/dx नहीं, dy/dz होता है। भले ही x का फंक्शन, उससे मतलब नहीं है सब, लेकिन dy/dz होता है और x होता है e की पावर z, z होता है log x। क्या आगे आए, पढ़ाएंगे आपको, बहुत इजी लगेगा, बच्चों वाली चीज है। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, याद करो भाई, m²-3m+2, तो m-1 m-2, तो m आ जाएगा 1 और 2, इक्वल में 0 है तो PI तो होना नहीं है, सीधे CF होता है। याद आया कुछ कुछ? तो
वाई इक्वल टू खाली सी एफ क्या होता था बोलो सी एफ, जब दो अलग अलग रूट होते थे हमने पढ़ाया था सी वन ई की पावर एम वन जेड जेड है, सी टू ई की पावर एम टू जेड, बाकी सब पढ़ाएंगे बिल्कुल परेशान ना होना भाई, हम पूरा ये सब पढ़ाएंगे पूरा रूल से पढ़ाएंगे सब कुछ, क्योंकि अब हमने पहले का रॉन्स्कियन करा दे थोड़ा सा, तो यहाँ पर रॉन्स्कियन था फर्स्ट चैप्टर में, हमने कहा उसको अच्छे से करा दे फिर वहां जाएंगे हम लोग। तो y कितना हो जाएगा भाई, सी वन ई की पावर जेड सी टू ई की पावर टू जेड, लेकिन क्वेश्चन तो x में था ना, इसको लिखना हम इसको इरेज करेंगे आगे, इसको x में करो, e की पावर z हमेशा x होता है इसमें होमोजीनस में, तो e की पावर 2z क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए x स्क्वायर हो जाएगा भाई। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी कराएंगे कोर्स की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम लगता है, एक अपना कराते रहे नॉर्मल वो अलग की, प्रीवियस ईयर में ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना फिर ऑप्शंस को करना, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है जब हम मल्टीपल करेक्ट वाले कराएंगे, उसमें तो कई ऑप्शंस सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, यहाँ तो जो आंसर आया हमने कह दिया ये वाला आंसर है, उसमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, कहीं ये तो सही नहीं है कहीं ये तो सही नहीं है कहीं ये तो सही नहीं है, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, मल्टीपल करेक्ट में टाइम लगता है, इसीलिए एग्जाम में वो पौने पांच नंबर का आता है, अगर आपने 12-13 कर दिया तो बहुत बढ़िया हो गया पेपर आपका, 20 करना होता है 40 वो 60 में से, मल्टीपल करेक्ट वाले 60 में से 20 करने होते हैं, अगर आपने 12-13 कर दिया तो आपका बहुत अच्छा हो गया भाई। चलो भाई तो जरा बताना क्या बन जाएगा आपका ये, तो y कितना हो जाएगा सी वन ई की पावर x सॉरी ई की पावर z हो जाएगा x यहां से, और प्लस का सी टू ई की पावर 2z क्या होगा, अरे इसमें स्क्वायर कर दो स्क्वायर, चलो y का मतलब वाई एक्स है भाई, y किसका फंक्शन है x का ना, y का मतलब वाई एक्स है, यहाँ पर वाई जेड का फंक्शन है तो y का मतलब वाई जेड था यहाँ पर, पहले बताइए इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, अभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी हमने पढ़ाया था और अभी यहाँ भी पढ़ाएंगे होमोजीनस वाला 100% आपको आएगा भाई, बिल्कुल कोई परेशान नहीं होना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे पढ़ाया था बीएससी एमएससी फर्स्ट ईयर हमने, सबने पढ़ा होगा, बिना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पढ़ा होता ही नहीं कर चीजें, अब ये इसमें रख दो। अच्छा वाई एक्स ये तो वाई डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, अच्छा वाई वन, वाई वन होगा सी वन प्लस सी टू, वाई डैश वन ये होगा सी वन प्लस टू सी टू, वाई टू ये हो जाएगा आपका टू सी वन प्लस का फोर सी टू, अच्छा वाई डैश टू ये आपका हो जाएगा सी वन प्लस का फोर सी टू, रख दो जरा से यहां पर, रख दो यहां पर इक्वेशन वन और टू में, रख दो जरा से यहां पर, इसको वन मान लेना इसको टू मान लो भाई, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू क्या है जरा बताना भाई, वाई वन यानी सी वन प्लस सी टू प्लस अल्फा वाई डैश वन यानी सी वन प्लस टू सी टू और इक्वल टू वन, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है भाई वाई टू यानी टू सी वन प्लस फोर सी टू और प्लस बीटा वाई डैश टू यानी सी वन प्लस फोर सी टू और इक्वल टू टू, कोई दिक्कत तो बताना भाई, सी वन सी वन वाले कॉमन करो इसमें भाई, अब ऊपर लिखेंगे भाई हम ये ऑप्शन ऑप्शन सब इरेज कर दे रहे भाई, अब हम इसको ऊपर लिखेंगे ऑप्शन इरेज कर दे रहे, बाद में जब आ जाएगा तो खुद ही दिख जाएगा आपको क्या आ रहा है, सी वन और इसमें अल्फा कॉमन, अल्फा कॉमन सॉरी सी वन कॉमन, वन प्लस अल्फा सी वन, वन प्लस अल्फा सी वन, इसमें आपका सी टू कॉमन, वन प्लस टू अल्फा सी टू, यहां जो जरा सा भाई टू प्लस बीटा सी वन, इस वाले में टू प्लस बीटा सी वन है भाई, इक्वल में वन है, वन प्लस अल्फा सी वन और वन प्लस टू अल्फा सी वन, ठीक है भाई इसमें हो गए तो टू प्लस बीटा सी वन
फोर प्लस फोर बीटा, फोर कॉमन हो जाएगा, फोर प्लस फोर बीटा, अरे डायरेक्ट लिख दो कोई बात नहीं, फोर प्लस फोर बीटा सी टू इक्वल टू टू, फोर प्लस फोर बीटा, देखो फोर और यहां पर जाएगा फोर बीटा, फोर प्लस फोर बीटा इक्वल टू टू, यही तो आ जाएगा आपका, बताइए भाई। अब जरा समझना, जब ये बन के आ गया, अब आपको निकालना है यूनिक सॉल्यूशन सेट करना है, आपको सेट करना है यूनिक सॉल्यूशन। एक बात समझनी है भाई, यूनिक सॉल्यूशन इसकी मैट्रिक्स बनाइए जरा, इसको मैट्रिक्स में लिखना जरा सा, कोफिशियंट मैट्रिक्स, याद इसको कहते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स, वन प्लस अल्फा, वन प्लस टू अल्फा, टू प्लस बीटा, ये सी वन सी टू के कोफिशियंट है ना, इसीलिए इसको कहते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स, ये सी वन सी टू के कोफिशियंट है ना, इसीलिए इसको कहते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स। यार ये सी वन, एक मिनट, ये बुक में, चलो कोई बात नहीं, एक बार जरा एक चीज चेक करना जरा, सी वन सी टू उन्होंने अलग चीज को माना है क्या? अच्छा वो उन्होंने एक्स स्क्वायर में सी वन मान लिया ना, इसलिए उनका अलग है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और यहां पर क्या लिखते हैं, अरे यहां लिखते हैं सी वन सी टू, याद करो कुछ कुछ, वन और टू, ये चीज याद आया, कुछ 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 याद आया किसी को? नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, ये मैट्रिसेस जब पढ़ाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी ये कोफिशियंट नोट करो, ये कोफिशियंट, ये कोफिशियंट, ये कोफिशियंट, ये कोफिशियंट, अगर हम आपको रैंक वाले चैप्टर भेज देंगे तो आप पढ़ सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी, क्योंकि कई बार काम पड़ जाता है इस बुक में, रैंक और एक लीनियर इक्वेशन, ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बीएससी का है और कुछ नहीं है, पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर आप देंगे आप पढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने, क्योंकि पता है, क्योंकि बहुत इजी, बहुत स्लो पढ़ाया हमने, बहुत स्लो पढ़ाया हमने, क्योंकि पता है कई बार, लेकिन कई बार इसमें यूज पड़ जाएगा ना, तो फिर अभी तो मैट्रिसेस पढ़ा नहीं रहे हम, अक्सर मैट्रिक्स का यूज पड़ता है इसमें, तो हम रैंक वाला और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दो चैप्टर में आपको भेजेंगे, तो कई बार यूज पड़ जाता है ना, फिर वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और एक आइजन वैल्यूज वाला भी भेजेंगे हम फिर हम उसके बाद, तो कई बार यूज पड़ जाता है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। ये मैट्रिक्स को कहते हैं ए, सब लोग सुन लो भाई, इस मैट्रिक्स को कहते हैं ए, इस मैट्रिक्स को कहते हैं ए, इसको कुछ नहीं, इसको क्या करोगे लिख के, इसको लिख दो भाई, इसको कहना बी, इसको कहना बी, इस मैट्रिक्स कहना बी, आपको यूनिक सॉल्यूशन बनाना है, सब लोग ध्यान सुनिए भाई, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बनाना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप निकालोगे पहले रैंक ऑफ ए, ठीक है, पहले कुछ ना निकालो, बता ज्यादा आसान तरीका बता रहे, और आसान तरीका बता रहे हम, आप निकालोगे ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, थोड़ी सी पुरानी, बहुत पुरानी बात आ गई है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे सब आ जाएगा, ए ऑगमेंटेड बी, और जो आएगी उसे कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आएगी उसे कहेंगे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कितना आता पता, कैसे लिखते इसको, ऐसे पूरी ए लिख दो, पूरी ए लिख दो, लिख दिया, फिर ऐसे कोलन लगा के बी के एलिमेंट वन और टू, जहां इससे में दिक्कत बताना भाई, ये बहुत साल बाद आप पढ़ लो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिक्कत हो रही होगी थोड़ी सी, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना उसकी आप पढ़ लोगे ना, तो आपको एकदम आसान, बच्चों वाले भाई बीएससी वाले पढ़ते हैं इसको, बीएससी का ये, हाँ अब आपको क्या करना है, ये चीज है भाई, क्या निशानना बताइए, ए लिखा पूरा,
ये पूरा ए लिखा और ये बी लिख दिया हमने कोलन लगा के, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं, इससे मैंने दिक्कत करेगा आपको अभी, क्योंकि अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बहुत सारी चीज बताएंगे आपको दिक्कत करेगा। रुक जाना यहां तक सही एकदम, हाँ फिर बहुत दिक्कत करेगा आपको। चलो चलो हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक तो आ गया ना, पहले बताइए यहां तक आ गया, ये हो गया होगा, उम्मीद आपको आ गया होगा। अब सुनो दूसरे मेथड से कर रहे हैं भाई, अल्फा आपको क्या दिया जरा बताओ भाई, एक एक ऑप्शन से करो, ऑप्शन से, हम बिना ऑप्शन के कर रहे थे, अब हम ऑप्शन से करके दिखा रहे हैं। ऑप्शन ए देखो क्या है भाई आपका, अल्फा है माइनस वन, बीटा है टू, रख दीजिए ऊपर, अल्फा कौन है माइनस वन, तो ये आ जाएगा जीरो, यहां करोगे माइनस वन अल्फा तो माइनस वन, यहां माइनस वन रखोगे वन, यहां माइनस वन रखोगे जीरो, ठीक है, ये हमने रख दिया, ये ए हो गया, कोई दिक्कत बताइए भाई, पूरा गड़बड़ तो नहीं हो गया पर लिखने में, ये ऑप्शन यही तो भाई, अल्फा माइनस वन है बीटा टू है, तो यही तो आ रहा ना भाई आपका, ये बराबर वन वन है, कुछ गड़बड़ है हमें लग रहा है यहाँ पर, बात दिया वन टू है, एक मिनट रुक जाए जरा सा भाई, वन टू दिया हुआ इक्वल में, यहां पर इन्होंने वन वन लिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू माइनस वन आप रखोगे तो ये जीरो, कोई बात नहीं ये भी ठीक है, अल्फा या बीटा इक्वल टू टू है ना, ये गलत कर दिया हमने, चार दुनिया आठ चार बारह होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ बीटा इक्वल टू टू है ना, तो ये थ्री होगा, अब सही है, वही गड़बड़ हो रही, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था, नहीं सॉरी फोर होगा, अब सही है। और अब आखिरी बात सब लोग सुन लो, दो बाई दो की मैट्रिक्स है, आपको कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा, ये जो आपका सिस्टम है इसको वन मान लो, सिस्टम वन है यूनिक सॉल्यूशन, हम फिर समझाएंगे आपको, अभी बता रहे हैं आपको, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाए, अगर ए के डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक, तो आपका सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देखा, अभी यहां के लिए आप यही पढ़ लो, बाकी वहां पर हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे जब मैट्रिसेस पढ़ाएंगे हम, जब आप ये पढ़ लोगे ना तो हमको कुछ बताने जरूरत नहीं है, जब वीडियो देख लेंगे आप, तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है कि जीरो है, वही देख लो, ए के डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, एच को मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कर दो, बारह का जीरो में जीरो और माइनस का चार हो जाए, प्लस का चार यानी चार, ये तो नॉन जीरो आ रही है, यानी यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, तो यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया भाई, समझ में आया कि बताइए पहले, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए हमको, फिर ये सुन लो भाई, हमने ऑप्शन से करा है, ऑप्शन ए में अल्फा माइनस वन है बीटा टू है, हमने यहां रख दिया, आपसे कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आनी चाहिए इसकी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आती है तो क्या होता है, ये जब आप वीडियोस देखोगे ना, जल्दी से जल्दी देख लेना जितनी जल्दी हो सके, दो तीन चार दो तीन दिन में देख लेना तो बहुत आसानी हो जाएगी, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, कम से कम तीन चैप्टर की आप वीडियोस देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो डिटर्मिनेंट अगर आपकी नॉन जीरो होती है, डिटर्मिनेंट अगर आपकी नॉन जीरो होती है तो फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे तो आपको एक बात बताएं, जब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो, 2 बाई 2 का मतलब दो रो दो कॉलम, व्हेन देयर इज अ 2 बाई 2 मैट्रिक्स एंड हैज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, एंड हैज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, देन रैंक इज 2, रैंक याद आया कुछ कुछ, रैंक
कोई मैट्रिक्स की, कोई मैट्रिक्स 2x2 की ली जाए और उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो आप कहते हो हाँ बिल्कुल सही, तो आप कहते हो उसकी रैंक 2 है। अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की ली जाए और उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो आप कहते हो उसकी रैंक 3 है। कोई मैट्रिक्स 4x4 की ली जाए, उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो आप कहते हो उसकी रैंक 4 है। कोई मैट्रिक्स 5x5 की ली जाए और उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो आप कहते हो उसकी रैंक 5 है। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर की डिटर्मिनेंट से नहीं करते हैं भाई, कैसे करते हैं वो आप वहां पर मिल जाएगा सब कुछ आपको। इतने बड़े ऑर्डर बस डिटर्मिनेंट निकालते हैं बस 3 ऑर्डर तक, 4 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट से नहीं करते। कैसे करते हैं वो वहां आपको दिखेगा कैसे करते हैं। बाकी इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताएंगे, वहां मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ करेंगे बड़ी परेशानी होगी आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कर रहे आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो सीधे सीधे कह लो कि कोई मैट्रिक्स अगर आपने 2x2 की लिया, यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब उसकी रैंक 2 हो। अरे भाई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब रैंक 2, कोई मैट्रिक्स 2x2 की ली, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब उसकी रैंक 2 है। हम पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे भाई, हम पर्टिकुलर वीडियोस, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो हम पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे, उसमें आप रैंक रैंक वाला और उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला पूरा चैप्टर, ये दो चैप्टर पूरा पढ़ लेना जल्दी से जल्दी। ये दो चैप्टर आप पढ़ लोगे तो काफी चीज आएगी। फिर आइगन वैल्यूज भी पढ़ना है आपको, लेकिन दो चैप्टर आप पढ़ना है। फिर मैट्रिसेस जब पढ़ाएंगे फिर से पढ़ा देंगे भाई, क्योंकि उसमें तो लिमिटेड चीज है। हम जब पढ़ाएंगे तो नेट वाला पढ़ाएंगे, वहां पर तो लिमिटेड चीज है, बस बेसिक्स आपको आ जाएंगे। रैंक निकालना, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है, वो सब आपको मस्त पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी ओडी में इस बुक में आपको काम पड़ेगा, इस बुक में आपको काम पड़ेगा उन चैप्टर्स का जो हम बोल रहे हैं आपको। तो इस वजह आपको पढ़ लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी भाई। तो रैंक वाला पूरा चैप्टर पहले पढ़ना और रैंक वाले के बाद फिर पढ़ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो पहले जल्दी से जल्दी पढ़ लेना, फिर आप आइगन वैल्यूज में आना। तो ऑप्शन आ गया, ए करेक्ट हो गया, बाकी हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। बाकी आप चेक करना सबकी रैंक जो आ रही होगी जीरो आ रही होगी, सॉरी सबकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगी। अगर ए अल्फा -1 रखो और बीटा -2 रखो तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगी, आप चेक कर लो। सी ऑप्शन भी चेक करना, डी ऑप्शन भी चेक कर लेना। पहले सब लोग बताइए कि ये समझ आया कि नहीं आया, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो आप। आया कि और समझाए भाई, हम बताइए, बाकी लोग बताइए भाई। हाँ भाई आप लोग बताइए, प्रतिभा समीक्षा आप लोग बताइए। सी वाला ऑप्शन चेक करके देखे ले भाई, देख ले रहे सी वाला, हम किया था मैच नहीं हो रहा था, अल्फा -2, अल्फा -2 आपका यह हो गई ए आ रही आपके, अल्फा -2 रखा यहां रखा, माइनस को 2 × 4 -3 और बीटा 2, तो 2 × 2 = 4 और बीटा से यहां 2, 4 × 8 = 12। सही तो, अरे सही तो है, देखिए डिटर्मिनेंट कितनी आ रही भैया, 12 × 12 - 12, 4 × 12 + 12, डिटर्मिनेंट जीरो आ गए। हमने कहा यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, ये तो जीरो आ गई ना, जीरो आने का मतलब है नो यूनिक सोल्यूशन, नो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। सही तो है भाई, क्यों बताइए भाई, कोई परेशानी बताइए और लोग। चलिए भाई अब और प्रॉब्लम और कोई डाउट हो बताइए जल्दी से, डाउट सारे क्लियर कर लिए तभी मटेंगे यहाँ से इसमें क्वेश्चन से। और कोई डाउट हो बताइए भाई, किसी का कोई डाउट,
हाँ अभी सिंगल कैरेट वाले करने हैं, मल्टीपल कैरेट वाले के लिए वो अभी हम मालूम, उसके लिए कुछ अभी हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ाई है ना आपको, अभी हमें कुछ पॉइंट्स लिखाने हैं। इजी वाले कर लेंगे, मल्टीपल कैरेट में इजी वाले कराएंगे हम, लेकिन मल्टीपल कैरेट में पूरे लाइन से भी नहीं करा रहे हम, क्योंकि हमें भी कुछ वो डाउट्स, अभी कुछ हमने आपको पॉइंट्स लिखाने हैं, हमको आपको कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे तब आप फिर मल्टीपल कैरेट वाले आसानी से कर लेंगे। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बताइए। किसमें, मल्टीपल कैरेक्ट में ना? हाँ, अभी सिंपल सिंपल वाले आप कर लीजिए, बाकी हमने कुछ पॉइंट देखो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, कॉमन पॉइंट, ये सब हमने अभी पॉइंट्स लिखा ही नहीं आपको। जब ये पॉइंट्स लिखा देंगे तो सब कर लेंगे आप। रॉन्सकेन पढ़ लिया, आप मान के चलो एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का हो गया, एक या दो आ जाता है, मान के चलो कि 8-10 नंबर का मिल जाएगा आपको, 10-10 नंबर के आसपास मिल जाएगा आपको, 8-9 नंबर कितना हुआ? किसका, इसी का? ट्वेंटी, अच्छा देखिए भाई 20 हम उठा ले रहे भाई, 20 वाला ना सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, 5152 वाला, 5152 वाला। अच्छा अभी कुछ पॉइंट्स लिखा देंगे तब आप कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे, सिंपल क्वेश्चन कोई है वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। अभी पॉइंट्स लिखाएंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, बहुत सारी चीजें नई नई यूज होती है ना उसमें, मल्टीपल करेक्ट वाले में दिक्कत होती है भाई। ठीक है अभी हम उसको पॉइंट्स लिखाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये बताइए भाई, अगर किसी ने मल्टीपल करेक्ट लगाए हैं, 12 नंबर आ गया। अच्छा सिंगल करेक्ट का 8वां हो गया, 7वां 8वां सिंगल करेक्ट, 7वां 8वां हो गया। आप लोग हाँ, 7वां तो डेफिनेशन है सीधे। चले आप लोग बताइए भाई, बाकी लोग सबसे पूछ रहे भाई सबसे। अभी दूसरा क्वेश्चन छोड़ा था सिंगल करेक्ट पर ही, इसलिए छोड़ा था क्योंकि अभी आगे उसका, उसके लिए पॉइंट नहीं लिखा है हमने, जब पॉइंट लिखा देंगे तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा आपका। अच्छा अभी हम पूछ रहे हैं कुछ कुछ जो हो बताइएगा, अभी 11 की बात नहीं कर रहे हम, 9-10 की बात नहीं कर रहे हम, 9-10 की बात नहीं कर रहे, 11 की बात नहीं, 13 भी नहीं। क्या हुआ? चलो भाई अब हम पॉइंट्स लिखाए तब आपको क्लियर होगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तो अभी कई चीजें यूज पढ़ने आ रही है, यूज पढ़ेंगी। हाँ ये तो आपको 14वां हो गया होगा, 14वां हो गया ना। हाँ 15 15 वाला भी हम देख रहे हैं, 14वां हो गया सबका ना, 14वां पूछना है कि बताए कि आ गया है। क्यों दीपक भाई 14वां आ गया? सब लोग बताइए भाई, आप लोग बताइए, सबसे पूछ रहे हैं हम, डाउट हो बता देंगे हम, सॉल्यूशन भी होता है, आप सॉल्यूशन से चेक कर सकते हो। चलो अच्छा 15वां जरा हम करा दे रहे, कुछ बहुत टफ नहीं है, 15 15 नंबर देख लेना भाई, क्या है पढ़िए, 15 नंबर 15 नंबर अभी हम कराने, हमको सब है इसके, लेकिन अभी हम वो ढूंढ के करा रहे हैं जो इजी है, फिर हम पॉइंट्स लिखाएंगे, जो पॉइंट्स नहीं भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो पॉइंट्स हमें कुछ लिखाने नोट करके, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। तो सुनिए भाई जरा, लेट पी बी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर एंड डब्ल्यू बी रॉन्सकियन ऑफ वाई वन एंड वाई टू, पी बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, एंड डब्ल्यू बी रॉन्सकियन ऑफ वाई वन एंड वाई टू, और वाई वन वाई टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है लिख दिया उन्होंने, ये दोनों एल आई है। किसके है भाई सोल्यूशन? इसके सोल्यूशन है वाई वन वाई टू, वाई वन वाई टू इसके सोल्यूशन है, 15 नंबर हम करा रहे हैं, वाई वन और वाई टू इसके सोल्यूशन है, ये मल्टीपल करेक्ट का है जून 2012-15 का,
पंद्रवा क्वेश्चन जून 2015 का है, मल्टीपल करेक्ट 4.75 मार्क्स का आता है भाई, और प्लस का PXY। इसीलिए लोग पहले एग्जाम में सिंगल करेक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि सिंगल करेक्ट में एक सही हो गया ऑप्शन, बाकी को चेक ही नहीं करना है। मल्टीपल करेक्ट में आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको मल्टीपल करेक्ट में। तो ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं लेट W1 यानी 1 पेरोंस्कियन ए है, x बराबर 2 पेरोंस्कियन बी है, x बराबर 3 पेरोंस्कियन सी है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए की जगह 1 2 डाल दे, ए ए सब ए गड़बड़ हो रहा है, वही वही हो रहा है बार बार। ए बी से ए बी ए जीरो से बड़ा, बी जीरो से छोटा, सॉरी ए जीरो से छोटा, बी जीरो से बड़ा। अगला ऑप्शन है भाई आपका ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, या ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। तीसरा ऑप्शन है ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, डी। चौथा ऑप्शन है आपका ये चीज, यानी ए बी से छोटा है और दोनों ही जीरो से बड़ा है भाई, दोनों ही जीरो से बड़ा, चेक कर देख लो चाहे, और एंड बी आपका सी से बड़ा है और सी आपका जीरो से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी जीरो से बड़ा है, दोनों ही जीरो से बड़े हो गए। ये क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती है एग्जाम में उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है और उतने ज्यादा करेक्ट होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए भाई अभी हम नोट्स भी देंगे भाई, हमने आपको बुक दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, एमडी राज सिंघानिया की बुक है, अभी नोट्स भी है, बुक्स तो मेरे पास बहुत है भाई, लेकिन ज़्यादा इकट्ठा नहीं दे सकते हम अभी आपको, एक एक बुक कंप्लीट करिए उसके बाद बाकी देंगे आपको हम। अच्छा एक बात सुनिए जरा भाई, क्या है आपका डब्ल्यू वन ए है और डब्ल्यू टू बी है, ऑप्शन वन में तो सी है ही नहीं, तो अभी डब्ल्यू थ्री भूल जाइए, ठीक है। एक बात सुनिए भाई, ये बताइए हमेशा जिस साइन का W क्या होता है, W पूरे सब पे सेम साइन का होता है, W जो होता है, हम लिख रहे बात, एक बात नोट में लिख रहे हैं, हम नोट में एक बात लिख रहे हैं, आप समझिएगा जरा सा, क्या नोट में लिख रहे भाई, WX कैन नॉट बी पॉजिटिव एट वन पॉइंट एंड निगेटिव एट अनदर। हमेशा क्या हम ये बोल दे रहे, ऐसे लिख दो भाई, WX है सेम साइन, ये नोट में लिख लेना भाई, सबके बाद नोट होएगा उस नोट में लिख लेना, डब्ल्यू एक्स है सेम साइन एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अब इंटरवल जो भी होगा, यहां पर इंटरवल रियल नंबर है, डब्ल्यू एक्स है सेम साइन एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ऑप्शन वन गलत हो गया, ऑप्शन वन गलत हो गया, कहो हाँ ऑप्शन वन गलत हो गया, ऑप्शन वन में भाई भाई देखो वन पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन वन में देखिए क्या है, ऑप्शन वन में देखिए क्या भाई, ए जीरो से छोटा, बी जीरो से बड़ा, ए कौन था डब्ल्यू वन, बी कौन था डब्ल्यू टू, लो गलत, यानी वन पे रॉन्सकियन नेगेटिव, टू पे रॉन्सकियन पॉजिटिव नहीं होता है, रॉन्सकियन या तो आर रियल नंबर के हर पॉइंट पे पॉजिटिव आएगी, या तो रियल नंबर के, या तो इस इंटरवल के, भाई इस इंटरवल ही तो होता है ना, आर का मतलब होता है ये ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, रॉन्सकियन या तो आपको आर के हर पॉइंट पे पॉजिटिव आएगी या तो आर के हर पॉइंट पे नेगेटिव आती है रॉन्सकियन। मल्टीपल करेक्ट में टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम ले जाते हैं मल्टीपल करेक्ट, अभी भी टाइम समझाने बहुत टाइम, हर ऑप्शन चेक करना पड़ता है, समझ में आ रहा है भाई सबको हम क्या बता रहे। तो ये जो होता है भाई आपका, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, नॉट पॉसिबल, सबको समझ में आए ये बात, कि हम और समझाए, नॉट पॉसिबल ऑप्शन गलत है, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत है। अब कुछ और भी पॉइंट लिख रहे हैं, अब और बात जरा सुन लेना भाई, भाई जब यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो रॉन्सकियन तो आप निकाल लेंगे ना, बिल्कुल सही, तो रॉन्सकियन निकाल रहे हैं इसकी,
इरेज कर रहे हैं सारी चीजें, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो रॉन्सकेन निकाल लेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो रॉन्सकेन आप निकाल लेंगे, निकाल रहे मैम रॉन्सकेन। रॉन्सकेन क्या होता है भाई, जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो रॉन्सकेन कैसे होती है भाई, सी सी पहले दे दिया भाई, कुछ और चेंज कर दो, सी उन्होंने दे दिया भाई, कंफ्यूजन हो, ए कर दे रहे, ए ई की पावर माइनस ए वन अपॉन ए नॉट डी एक्स। अगर अभी टी में ना है तो फिर डी एक्स ना करना, डी टी करना, फिर तो हो जाएगा ए ई की पावर माइनस ए वन, कौन है ये, ए नॉट होता है, ये ए वन होता है, तो ए वन अपॉन ए नॉट डी एक्स। तो डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा आपका, ए ई की पावर वन का एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, यही तो होगा, यही तो होगा ना, बिल्कुल 100% भाई। ए का मतलब क्या है, ये वाले इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे है, बी का मतलब टू पे रॉन्सकियन, सी का मतलब है थ्री पे रॉन्सकियन, एक्स बराबर थ्री पे रॉन्सकियन सी है, एक्स बराबर वन पे रॉन्सकियन को ए माना गया है, एक्स बराबर टू पे रॉन्सकियन को बी माना गया है, ठीक है, ये चीज है। अब आप ये बताइए हमको, डब्ल्यू एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है भाई, ई का साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है, ई की पावर टू ये भी पॉजिटिव होगा, ई की पावर माइनस टू अरे भाई हो जाएगा वन अपॉन ई स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा, ई की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू एक्स पॉजिटिव होगा, ए मतलब ये कॉन्स्टेंट, अगर ये ए जो कॉन्स्टेंट है वो नेगेटिव होगा तो डब्ल्यू आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो अच्छे से बात सुन लो भाई। अब एक नोट और तैयार कर लो भाई, एक नोट और लिख लो जरा सा, क्या है नोट, हम इसको इरेज करके एक नोट और बना रहे हैं, कि इफ ए पॉजिटिव है तो जो डब्ल्यू एक्स होता है आपका, जो डब्ल्यू एक्स होता है इसमें वो आपका इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग होता है, ए अगर पॉजिटिव है तो डब्ल्यू एक्स आपका डिक्रीजिंग। फिर किसी x की वैल्यू के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है f dash x, और किसी x की वैल्यू के लिए f dash x नेगेटिव है, तो फिर ये आपका क्या होता है, तो फिर ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव से कर रहे भाई, वो बहुत डायरेक्ट हो जा रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो w dash x निकालो सब लोग इसको, e की पावर का e की पावर, e की पावर का e की पावर, और ये आपका कितना है जरा बताना, और इसका एक बार फिर से करोगे तो माइनस एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा टू एक्स बाई थ्री, हो जाएगा ए सॉरी टू एक्स बाई थ्री नहीं भाई, थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री, ये आएगा ना थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री, क्या आपका हो जाएगा ए माइनस कॉमन ले लेना वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर इतना, ये चीज भाई, ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ कहिए, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वन पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव, e की पावर कभी नेगेटिव नहीं, पावर नेगेटिव हो सकती है लेकिन उस पूरे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, सब लोग सुन रहे हैं भाई, तो मसला किसका है, ए से, अगर आपका ए नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डब्ल्यू डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा यानी इंक्रीजिंग हो जाएगा, इफ यहां लिख रहा हूं सिंस सिंस वन प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ई की पावर ये हमेशा पॉजिटिव, इसको इरेज कर दे, चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, सो W dash x is positive if a is negative, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, W is increasing function, जब W dash positive होता है तो increasing function is increasing function होगा, सब कुछ a पे depend कर रहा है, अब दूसरी बात इसको हटा दे रहे हैं,
और अगर W डैश आपका नेगेटिव तो A आपका पॉजिटिव होगा, तो W डैश नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, A से मतलब है खाली आपका ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, A से ही मतलब है आपको। अगर A आपने पॉजिटिव कर दिया तो प्लस माइनस माइनस, तो W डैश आपका क्या हो जाएगा, W डैश आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब W डैश नेगेटिव हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी A पे ही डिपेंड कर रहा है इस साइन पे। A जैसे साइन का होगा उस हिसाब से आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जरा बताइए क्या मतलब है, क्या हुआ भाई, W अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो बात अलग अलग आ गई। अब आपको बताए एक बात, अब आपको एक बात बताए, कहां से बात बताए भाई, इस तरफ साइड में लिख रहे हैं। इस केस में क्या होगा भाई ये बताओ, जब W इंक्रीजिंग हो गया, W इंक्रीजिंग का मतलब पता है क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है x की वैल्यू बढ़ाने पे W बढ़ेगा, यानी 1 पे W सबसे छोटा होगा, 2 पे W उससे बड़ा होगा, 3 पे W उससे बड़ा होगा। समझा भाई, इंक्रीजिंग का मतलब होता है x की छोटी वैल्यू पे वो छोटा होगा W, x की बड़ी वैल्यू पे W बड़ा होगा। 1 पे W कौन होता है, A, 2 पे W कौन होता है, B, 3 पे W कौन होता है, C, ये आएगा। या अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, अगर ये आपका पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा भाई, अगर ये पॉजिटिव हुआ नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है आप कॉपी में कर लें थोड़ा सा, मेरे पास जगह नहीं, बोर्ड छोटा है। अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, ये वाला केस उठाना, ये वाले केस से आना जरा। ए पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, W डिक्रीजिंग भाई, W डिक्रीजिंग का क्या मतलब हो गया, W डिक्रीजिंग का मतलब हो गया आपका कि बड़ी वैल्यू पे छोटा होगा, x बढ़ाते जाएंगे छोटा होता जाएगा, डिक्रीजिंग का यही मतलब होता है भाई। इंक्रीजिंग का मतलब है कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन वैल्यू घटेगी, फंक्शन की कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन की वैल्यू घटेगी और x की वैल्यू घटाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। W1 कौन, A, ये B, ये C, ये ऑल ऑप्शन सही है। इसका मतलब है भाई या तो A पॉजिटिव होगा या तो A नेगेटिव होगा, जब A पॉजिटिव होगा तो ये मिलेगा, जब A नेगेटिव हो रहा है तो ये आ रहा है, यही तो कह रहा है, यानी ये या ये, तो यही तो ऑप्शन कह रहा था, दूसरा दूसरा ऑप्शन सही है। कैसा लगा बताइए भाई, कोई दिक्कत बताइए भाई। अब सुना जरा, अब तीसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, फिर से देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कल फिर बताना, अगर कोई डाउट हो, रटना नहीं, सबसे हम यही कहते भाई बार बार, कोई डाउट हो तो हमको फिर से बताएगा। ए और बी हो गया, पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा सही था, तीसरा वाला चेक करो जरा, तीसरा वाला क्या कह रहा है, A अपॉन मॉडुलस ऑफ A, B अपॉन मॉडुलस ऑफ B, C अपॉन मॉडुलस ऑफ C, क्या ये बराबर है। अच्छा एक बात समझो जरा भाई, बात समझिए आप, मॉडुलस ऑफ A का मतलब कितना होगा, मॉडुलस ऑफ X क्या होता है जरा बताओ भाई, मॉडुलस ऑफ X होता है ये पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे, है ना, और X अपॉन मॉडुलस ऑफ X क्या होता है, X अपॉन मॉडुलस ऑफ X क्या होता है भाई, हो जाएगा x अपॉन x जब x पॉजिटिव और x अपॉन माइनस x जब x आपका नेगेटिव, ये आ गया 1 और माइनस 1। तो इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन, जिनको ना मालूम हो उनके लिए बता दे भाई, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम SGN शॉर्ट में लिखते हैं सिग्नम फंक्शन। ये उल्टा लिखा है शायद, सिग्नम फंक्शन ये होता है भाई, उल्टा है वो, उसको सिग्नम मत लिखो, सिग्नम फंक्शन ये होता है मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, वो उल्टा लिखा है, वन अपॉन सिग्नम फंक्शन है वो, मत लिखो उसको सिग्नम फंक्शन। तो सुनो भाई, तो यही तो लिखा है, ए अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू कौन आएगी, वन आएगी या माइनस वन आएगी, इसकी वैल्यू भी वन आएगी या माइनस वन आएगी, इसकी वैल्यू भी वन आएगी या माइनस वन आएगी, तो ये वन आएगा या
माइनस वन आएगा, ये वन आएगा या माइनस वन आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जब क्या होगा, ये वन और माइनस वन तो आएगा आएगा, तब तीनों, या तो तीनों वन आएगा या तो तीनों माइनस वन आ रहा है। यही तो होता है भाई कि रॉन्सकियन क्या होती है, या तो रॉन्सकियन क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, या तो रॉन्सकियन हमेशा नेगेटिव होती है हर पॉइंट पे। या तो रॉन्सकियन पॉजिटिव होती है या तो हमेशा रॉन्सकियन नेगेटिव होती है। देखो सुनो जरा भाई, रॉन्सकियन क्या होती है आपको पता है? आइदर आइदर डब्ल्यू एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स और डब्ल्यू एक्स नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। बताइए आपको ये बात, या डब्ल्यू एक्स हर पॉइंट पॉजिटिव होगा या डब्ल्यू एक्स हर पॉइंट पे नेगेटिव होगा। या तो आपका रॉन्सकियन हर पॉइंट पे पॉजिटिव होती है या तो रॉन्सकियन हर पॉइंट पे नेगेटिव होती है। अब जरा बताओ भाई, हर पॉइंट पे पॉजिटिव अगर आएगी, अच्छा अगर रॉन्सकियन क्या है, हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ भाई? डब्ल्यू वन भी पॉजिटिव, डब्ल्यू टू भी पॉजिटिव और डब्ल्यू थ्री भी पॉजिटिव, बताइए भाई सही है कि नहीं? सही है हाँ। यानी ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव तो ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वन होगा, पीछे देख लो भाई, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वन होता है, और बी भी पॉजिटिव है तो बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी भी वन होगा, ठीक है। और आपका सी भी पॉजिटिव है तो सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी भी वन होगा। देखो भाई लिखा तो है एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वन होता है, और जब सबका आर एच एस बराबर तो सबका एल एच एस भी बराबर। ये लो हो गया बराबर, समझ में आया ये बात की नहीं? सब लोग बताए पहले, आई की नहीं आया बात समझ में? ऊपर वाले चाहो तो हटा दो, ये लाइन चाहो तो आप हटा दो भाई, हमने सोचा डायरेक्ट लिखे फिर हमने गलत एक्सप्लेन करके पूरा लिख दिया हम। सब लोग बताइए भाई ये समझ में आई कि नहीं आई ये बात? क्यों भाई बताइए भाई आप लोग, मानवी ऋषभ दीपक प्रतिभा समीक्षा। अच्छा अगर आपका नेगेटिव हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसी में चेंज कर दे रहे हम। अगर आपका रॉन्सकियन नेगेटिव, आपको पता है रॉन्सकियन या तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव होती है या तो हर पॉइंट पे नेगेटिव होती है, जो भी इंटरवल दिया होगा उसके लिए। यहां पर इंटरवल पूरा रियल नंबर है, अब इसी को इरेज कर रहे हैं, ठीक है हम इसी में चेंज कर रहे हैं। अगर रॉन्सकियन नेगेटिव है हर पॉइंट पे, यानी वन पे भी नेगेटिव है रॉन्सकियन, टू पे भी नेगेटिव है यानी, और थ्री पे भी नेगेटिव है, यानी ए भी नेगेटिव है आपका, बी भी नेगेटिव है आपका और सी भी नेगेटिव है। और जब ए नेगेटिव, जब एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगी ना, तो ए नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू भी माइनस वन और इसकी वैल्यू भी माइनस वन, सबका आर एच एस बराबर, एल एच एस बराबर, फिर भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ऑप्शन थ्री ट्रू है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है। अच्छा अब चौथा ऑप्शन, तीसरा ट्रू था दूसरा ट्रू था चौथा चेक करें, इरेज कर रहे हैं इसको हम। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, कल हम और पॉइंट्स लिखाएंगे फिर क्वेश्चंस और कराएंगे। भैया चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है बताओ जरा? ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, ये क्या हो गया भाई? यानी आपका डब्ल्यू वन जो है डब्ल्यू टू से छोटा है और डब्ल्यू टू जो है डब्ल्यू थ्री से बड़ा है। गलत, अभी पीछे पड़ा था, वी हैव प्रूव्ड, हम लोग ने भी पीछे पढ़ा था कि या तो W1 आपका यह ऐसा है, या तो आपका ये चीज होगी या तो आपकी ये चीज होगी। अभी पीछे पढ़ा था आपको इंक्रीजिंग होगा W या W डिक्रीजिंग, आपको पता है पीछे अभी पढ़ा है हम लोगों ने, या तो W इंक्रीजिंग है यहां पर या तो डिक्रीजिंग है, अभी पीछे पढ़ा है। जबकि ये तो ये क्या कह रहा है, ये तो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह ही नहीं रहा है, क्या ये इससे मैच कर रहा है ये चीज से? नहीं। क्या ये चीज इससे मैच कर रही है? अरे नहीं,
ना इसका मतलब इंक्रीजिंग होता है क्या पूरे का मतलब? नहीं, इंक्रीजिंग तब होता जब ये इससे छोटा होता और W3 से छोटा होता तो इंक्रीजिंग हो जाता। डिक्रीजिंग तब होता जब आपका W1 W2 से बड़ा होता, और ये तो है ही, कोई बात नहीं, डिक्रीजिंग तब होता ना, ये तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं। विच इज नॉट इन ऑप्शन 4, आपने अभी पीछे प्रूफ किया था, ये और ये, ये या ये, दो में से एक पॉसिबल है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, दो में से एक पॉसिबल है, जबकि ऑप्शन 4 में ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, दोनों ही नहीं लिखा है, जबकि आपने पीछे पढ़ा था या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आएगा जरूर, जबकि ऑप्शन 4 में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन 4 में ना इंक्रीजिंग दिख रहा है ना डिक्रीजिंग दिख रहा हमको। इंक्रीजिंग तब होता है जब एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे डब्ल्यू बढ़ता, डिक्रीजिंग तब होता है जब एक्स की वैल्यू घटाने पे डब्ल्यू घटता, लेकिन यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे डब्ल्यू बढ़ गया, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ाई तो डब्ल्यू घट गया, तो इसलिए ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ऑप्शन 4 गलत है। चलिए कोई बताइए, कोई कंफ्यूजन हो पूछिए भाई, कोई दिक्कत हो पूछिए भाई, सब लोग से पूछ रहे भाई कि कोई दिक्कत हो पूछिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको देख लेना भाई अच्छे से। हाँ कोई कुछ कह रहा है? अब हम लोग अभी कल और बात करेंगे, पहले कल हम कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे और।